हेलो बच्चों, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है? बिल्कुल समझना है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस समझना है, दिमाग लगाना है क्या नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन लिखा गया है क्या। कांच के एक प्रिज्म पर आपतित प्रकाश किरण लंबवत गिर रही है। प्रिज्म बना लिए हैं, चलिए प्रिज्म का कुछ नाम भी दे लेते हैं, ए बी सी, ठीक है? और यह मान लेते हैं कि आपतित किरण अभिलंबवत गिर रही है। अभिलंबवत कुछ ही इस प्रकार से है, ठीक है? यह जो है एक अभिलंबवत हो गया, 90 डिग्री पे हो गया, आपतित किरण है। यह एक आपतित किरण है जो एक पृष्ठ पे क्या हो रही है, अभिलंबवत गिर रही है। आगे पढ़ते हैं, अभिलंबवत गिर रही है। यह किरण दूसरे धरातल से, यह दूसरा धरातल है, दूसरे धरातल से निकल सके, इससे बाहर निकल सके, इसके लिए प्रिज्म कोण की गणना कीजिए। क्या होगा इसके लिए प्रिज्म कोण क्या होगा, ठीक है? चलिए इस सतह के लिए पहले हम लोग अभिलंब बना लेते हैं। इस सतह के लिए जो अभिलंब है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आपतन कोण हो जाएगा। और जब यह सघन है और बाहर वायु है, यानी कि विरल माध्यम है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो यह बिल्कुल सीधे न जा करके कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, ठीक है? ये जो प्रकाश किरण हो इस तरीके से चली और टकरा करके क्या हो गई, ऐसे निकल जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, यह कोण बनाएगी, ठीक है? तो अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसी को उल्टा पढ़ लें, ठीक है, या फिर कंडीशन को समझिएगा, एक नोट यहाँ पे लिख दिया गया है, ऐसी घटना तभी संभव होती है जबकि प्रिज्म में जो अपवर्तित किरण है, ये क्या है, अपवर्तित किरण है। कुछ नाम दे लेते हैं इसको, अगर इसको नाम दे लेते हैं P और इसको नाम दे लेते हैं Q, या ऐसे नाम दे लेते हैं यहाँ से P और इसको नाम दे लेते हैं Q। PQ क्या है, एक किरण है, ठीक है ना, और इसको नाम दे लेते हैं O। तो यह घटना कब संभव होती है, यह घटना केवल तभी संभव होती है जब किसी पृष्ठ के अभिलंबवत आए, तो यह घटना तभी संभव होती है जब वह कितने कोण, अंश के कोण पर अपवर्तित हो, 90 माइनस ए, ए जहाँ पे आपका क्या होता है, अपवर्तक कोण होता है, प्रिज्म कोण होता है, अगर इतने अंश के कोण से पृष्ठ के किसी बिंदु पे टकराएगी तभी यह संभव होगा कि उस पृष्ठ से क्या हो जाए, निकल जाए बाहर। इसी को आप उल्टे तर्क में समझिएगा। यह आपका, अगर इसी को यहाँ से समझे तो आपतित किरण हो गया और निर्गत किरण कोण क्या हो गया, 90 अंश हो गया। तो ऐसे समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और उसका जो अपवर्तन हो वो कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए, तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम का मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तो इस घटना में इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 90 हो जा रहा है, इसका मतलब जरूर यह कि किसकी भांति काम करेगा, क्रांतिक कोण की भांति काम करेगा। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, इस कंडीशन में ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, 1/μ g, मतलब क्या, इस प्रिज्म का या कह सकते हैं इस ग्लास का जो ये क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, किस फार्मूले से, तो फार्मूला होता है साइन सी का, साइन सी इज इक्वल्स टू 1/n या 1/μ। म्यू को जब यहाँ पे भेज देंगे तो म्यू इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/sin c हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसी फार्मूले का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, साइन सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/μ, और इसका मान क्वेश्चन में दे दिया है, इसका मान कितना है, इसका मान दिया है 1.52। इधर क्या लिखेंगे, साइन ए 1.52 से जब एक में गुणा करेंगे, दशमलव हटा लीजिए, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा और 100 से भाग, तो ऊपर हो गया आपका 100 और नीचे दशमलव हट गया, तो कितना हो गया, 152। और जब 152 से फिर 100 में भाग करेंगे तो आपको भाग करने के बाद मिलेगा 0.6578, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी दे दिया है कि यह कितने अंश का मान होता है, यह साइन में 41.42 अंश का मान होता है, ठीक है। तो अब क्या दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे तो कोण ए का जो मान मिला वह कितना मिला, 41.2 अंश मिला, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।